हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाने वाला है। आई थॉट कि चलो अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा मीना बाजार फैला हुआ है, मैं तो थोड़ा अपने आप को अरेंज कर ली हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था। अभी मैं दिखाऊँगी आपको, वो मेरे रूम का वो कॉर्नर है, देखो पूरा ऊपर से नीचे इंक्लूडिंग बेड सब कुछ फैला हुआ है। तो क्योंकि अभी शूट मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ना मैं करूँगी अपना शूट स्टार्ट और उसके बाद ही नए सारी चीज़ें थोड़ा सा अरेंज कर पाऊँगी। उसके पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, अभी इतना है शूट के पहले जो कि अरेंज है चीज़ें, शूट के बाद क्या कंडीशन होगी पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सोचे कि चलो व्लॉग को स्टार्ट ही कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं ना कि एक शूट के पीछे कितना कुछ करना पड़ता है। यार अगर नॉर्मली व्लॉगिंग है ना, फिर तो फिर भी मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा कम एफर्ट करना पड़ता है, बट उससे हट के कुछ भी होता है ना, ऑफकोर्स यार मेहनत के बिना तो कुछ मिलता भी नहीं है। तो मेहनत तो मुझे मेहनत करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना करके रखिएगा। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपने शूट को स्टार्ट। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार विदाउट एनी डिले सब्सक्राइब करो, जो रेड कलर का बटन है और एकदम फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के। और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी ऐसी वीडियोज़ मैं डालूँ ना उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पर भी मुझे 5000 फॉलोअर्स फटाफट से आप लोग फॉलो करके वो फैमिली भी कंप्लीट कर दीजिए 5000 की। एंड या चलो बकबक बहुत ज़्यादा हो रही है ना, पहले थोड़ा सा अपना काम शुरू कर लेती हूँ मैं। ख़त्म हो गया है और अब जो मेरी कंडीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा सी बिगड़ सी चुकी है यार, मतलब थक गई हूँ मैं बोलूँ तो। और रूम की जो कंडीशन है वो तो ना पूछो, पर करना पड़ेगा ना यार, कितना भी थक जाओ काम है तो काम तो करना पड़ेगा। काम को बंद करना, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कंडीशन, बट उससे पहले मैं सोची मैं चेंज कर लूँ क्या, लेट्स सी क्या करती हूँ, पहले दिखा दूँ आप लोगों को। ये बेड का एक कॉर्नर है, आउच, ये रूम का एक कॉर्नर है एंड वो रूम का एक कॉर्नर है जो कि मैं अभी ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। सो अब पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सारी चीज़ों को समेटूंगी चेंज करके, बट चेंज तो मैंने कर लिया एंड पति देव की टी शर्ट भी डाल ली, बट आगे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी करूं। तो मैं बस रूम में अपने लेटने का जुगाड़ बनाऊंगी एंड इस पर सारी चीज़ें ले आकर के अभी के लिए रखूंगी, क्योंकि नया इन सब काम में ना मेहनत तो बहुत लगती है। लोगों को लगता है कि मतलब बस ऐसे ही बैठ कर बना लो, नहीं, बहुत मेहनत लगती है। अभी ये साड़ी मैंने पहनी थी, मैं आपको दिखाऊं तो 3 दिन की साड़ियां लगातार ऐसे पड़ी हुई हैं इस रूम में। ये देखो, एक दिन पहला ऑरेंज, ये दिस इज पेटीकोट। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं, नो डाउट। अरे ये क्या है, कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा नहीं, ये सारे सामान मैं कर रही हूँ। कुछ मुझे एक्सचेंज करने हैं तो वो मैं एक साइड रख रही हूँ, कुछ नहीं बस एक सामान एक्सचेंज करना है ड्यू टू साइज। तो फटाफट से अभी के लिए ना बस चीजों को हटा दे रही हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ, बहुत देर से ना मैं इन्हीं सब में लगी हुई हूँ। तो अभी के लिए ना मैं बस सिर्फ जगह बना रही हूँ। आउच,
ना तो उसका भी ढक्कन खुल गया। ये मैं उठा ली और अब इसको मैं रख करके आती हूँ जहाँ पे था ये शूट से पहले, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं ना तो इसी तरीके से ही। एक बार तो देखो, ये रीज़न है कि हमने अभी सोफे को कवर करके रखा है, क्योंकि बाहर से चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम ऐसा कर लेते हैं और कुछ नहीं। सो ये देखो, यहाँ पे सारी पन्नियाँ हैं, डब्बे हैं, ये सब भी ना मैं यहीं पे ही रखती हूँ, फिर बाद में देखूँगी कि क्या करना है। हाँ जी यार, तो यार हो गया ये सब। चलो काम भर को चीज़ें सबमिट गई हैं, मतलब हॉल नहीं सिमटा है। ये हॉल का एक कॉर्नर है, ये मेरे हॉल का दूसरा कॉर्नर है। कोई नहीं, अभी सब चीज़ें अभी उठूँगी फिर करूँगी आराम से, और अब आप लोगों से भी ना मिलूँगी मैं कुछ देर में, ठीक है।